स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ, और वो भी सार्वजनिक स्थल पर। तो इसको लेकर के आपके क्या विचार? सार्वजनिक स्थल जो है, सबका स्थल, सार्वजनिक स्थल पर ये चीजें होती नहीं है, बाकी सरकार को देखना है। लेकिन हमारा कहना यह है, हम देशभक्त हैं और हम लोग देशभक्त होने के नाते हमें देश के लोगों की चिंता है। आज हमारा देश महंगाई और बेरोजगारी से कराह रहा है, लोगों के पास दो वक्त की रोटी नहीं है, लोगों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, देश भुखमरी में तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, महंगाई के चंगुल में ऐसा देश इस मोदी सरकार ने फंसा दिया है कि लोगों के जेब पर डाका पड़ रहा है और चंद उद्योगपति उसको फायदा उठा रहे हैं, और वो चंद उद्योगपति के जरिए सरकार के लोग बैठे हुए उसमें मजा ले रहे हैं, और जनता पूरी तरह से बर्बाद होती चली जा रही है। रोजगार जो मोदी सरकार ने, जो रोजगार करीब 2 करोड़ रोजगार पहले के थे वो छीन लिए, जबकि इसने 2 करोड़ सालाना रोजगार नया देने की बात की थी, वो तो दिया नहीं, लेकिन उल्टा छीन लिया। 97% लोगों के आय में कमी हो गई, 23 करोड़ लोग मध्यम वर्गीय से, जो कांग्रेस ने इतने सालों में मध्यम वर्ग में उसको लेकर के आए थे, उनको दोबारा गरीबी में लाके खड़ा कर दिया। और आप ये देखिए, देश का अगर कोई भी आप इंडेक्स उठा के देख लें, GDP 2020-21 की -7.6% में मोदी सरकार ने पहुंचा दिया। रुपया जमीन दोज हो चुका है, रुपया जिसको ये गरिमा गरिमा का विषय कहा करते थे माननीय प्रधानमंत्री जी, वो आज गरिमा का विषय नहीं है। डॉलर के प्रति वो देखिए कहाँ पहुंच गया, कहाँ 54-55 उसकी कीमत थी डॉलर के प्रति रुपए की, आज देखिए 74-75 के आसपास है। तो कहने का मतलब, जिन मुद्दों पर ये सरकार चुन करके आई, उन मुद्दों पर इसने कोई काम किया नहीं। इसने कहा हम काला धन लाएंगे, तो काला धन कहाँ है, कहाँ लाए, जबकि अभी रिपोर्ट आई थी थोड़े दिनों पहले कि स्विस बैंकों में काला धन में और काला धन और बढ़ोतरी हो गया, लगभग 2.5 से 3 गुना हो गया, जबकि उल्टा काला धन लाने के बजाय और काला धन इस देश से पहुंच गया। देश के बैंकों में लूट कर करके लोग मोदी सरकार की आंखों में धूल झोंक कर भागते चले गए। वो ऋषि अग्रवाल गुजरात वाला जो लगभग 23,000 करोड़ रुपए लेकर के भागा है, उसका कहाँ है, वो कहाँ है, अब तक किसी ने गिरफ्तार किया, कहाँ है वो 23,000 करोड़ रुपए, किसका है वो? इस देश के गरीब लोगों का खून पसीने की कमाई का पैसा था। इस तरह से आप देखिए, अगर आप उठा के देखें, विजय माल्या को देखें, नीरव मोदी को देखें, सब इस सरकार में देश से भागे हैं और लोगों का रुपया लेके भागे हैं। तो आखिर मोदी सरकार क्या करती रही, क्या पकौड़े तल रही थी? जो आज गरीब गरीब एक गरीब अगर लोन ले ले तो उसका घर का घर तबाह कर देंगे, गरीब के घर पे बुलडोजर चढ़ा देंगे। लेकिन 23,000 करोड़ रुपए जिसने जो लेके भागा ऋषि अग्रवाल, उसके घर पे क्या बुलडोजर चढ़ा? आपको ये समझना होगा, देश में हर मुद्दों पर मोदी सरकार विफल हो चुकी, महंगाई पर, काला धन लाने के विषय पर, 2 करोड़ रोजगार देने के विषय पर, 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देने के विषय पर, जो जनता के असली मुद्दे हैं। आज देखिए अलीगढ़ पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है, न्यूनतम चीज पानी 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 कर रहा है। आज भी मैं सुबह गया विक्रम कॉलोनी बेगपुर के इलाकों में, पानी नहीं है, जनता परेशान है। लेकिन विकास मोदी सरकार, अगर मोदी जी भाषण देते हैं तो ऐसा ऐसा वो दिखाते हैं कि जैसे सातवें आसमान पे, और अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के अंदर लोग पानी के लिए त्राईमाम कर रहे हैं, 15 से 16 आबादी क्षेत्रों में पानी के लिए त्राईमाम त्राईमाम मचा पड़ा है। जब आप पानी दे नहीं सकते, सवाई गंदगी कूड़े गंदगी के ढेर पर पूरा अलीगढ़ बसा हुआ है, महानगर बसा हुआ है, आप उसको साफ कर नहीं सकते, तो फिर क्या बात करते हो? ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना है। उसी के क्रम में ये जो है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लाउड स्पीकर की बहस चलाई जा रही है, और ये हनुमान चालीसा पढ़ने से कौन रोक रहा है? ये जो लोग हैं, ये लोग ना तो धर्म को मानते हैं, ये धर्म का आवरण होकर ओढ़कर इसको राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक बात है। धर्म लोगों का आंतरिक विषय है, और संविधान ने लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी है, हिंदू को भी दी है, मुसलमान को भी दी है, सभी मजहब के लोगों को दी है। लेकिन हम जब घर से निकलते हैं, घर के अंदर धर्म, हम जो भी पूजा पाठ करना है, जो भी हमें नमाज पढ़नी है, हम पढ़ लेंगे। लेकिन जब बाहर निकलते हैं, भारतीय हैं, तो भारतीय होने के नाते सोचो, भारतीय होने के नाते सोचने का मौका है, क्योंकि भारतीय होने के नाते हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है, भारतीय होने के नाते हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश की समृद्धि और विकास है, शिक्षा, लचर शिक्षा व्यवस्था, लचर स्वास्थ्य सुविधा। ये जो हमारे लोग, देश के लोग
अगर एक मेडिकल कॉलेज में जाते हैं वेंटिलेटर नहीं मिलता, नॉर्मल डेज में जी लोगों को उपचार नहीं मिलता, बिना उपचार मर जा रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, फिर वो गरीब आदमी होगा तो वो प्राइवेट में जा नहीं पाता, मर जाता है, इस पर कब बात होगी। मैं कहता हूं अगर देना है इस देश को तो शिक्षा व्यवस्था दो। कॉपी किताबों पे आपने कीमतें बढ़ा दी, उफान कर दिया, 800 दवाइयों पे आपने कीमत बढ़ा दी, खाद्यान्न की सभी वस्तुओं के आसमानी दाम है, पेट्रोल डीजल का आप देखिए कीमत कहां से कहां है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स वसूली करने वाली मोदी सरकार है। आज ही अखबार में खबर है कि 5% का जो मिनिमम जीएसटी स्लैब इसी सरकार ने रखा था उसको भी हटाने जा रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो 28 लाख करोड़ रुपए तुमने पेट्रोल डीजल से अतिरिक्त तो तुमने जमा किए वो कहां है? वो काला धन जो तुमने नोटबंदी करके इकट्ठा किया वो कहां है? लाओ देश के सामने, वो कहां चला गया पैसा? आज देश भुखमरी की कगार पर क्यों है? तो आगा जी, जो मेन है, जैसा कि मेरा समझ में आ रहा है कि जो लोग सार्वजनिक स्थल पर लाउडस्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा की बात कह रहे हैं, तो जैसा कि लोगों को लगता है, जैसे मुस्लिम समाज में जो मस्जिद पे अजान होती है लाउडस्पीकर लगा करके, तो उसी तरीके से वह अपने धर्म के अनुसार लाउडस्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं। तो मंदिर पे करें, रुक कौन रहा है, मंदिर पे होता नहीं क्या? तो मंदिर पे लेकिन अगर वो करते नया हैं। विवाद बनाकर सार्वजनिक स्थल और मस्जिदों के सामने करने की बात कर रहे हैं, तो ये उन्माद बनाना हुआ ना। आप भी मंदिर पे कीजिए, नहीं तो आप सार्वजनिक अपने स्थल घरों में पे कीजिए, उन्होंने केवल जो है सार्वजनिक स्थल मस्जिद क्यों? मस्जिद के सामने नहीं कहा, सार्वजनिक स्थल में खासकर चौराहे, तो सार्वजनिक स्थल की क्या जरूरत पड़ी? अरे वो गलत है। आप बताइए, नहीं सार्वजनिक, कल को कोई फिर दूसरा पक्ष कहेगा, फिर इसी देश में देश कब बढ़ेगा आगे? क्यों विवाद बनाना चाहते हो? अरे भाई मस्जिदों पे अगर लाउडस्पीकर बज रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से बज रहा है, प्रशासन की अनुमति से बज रहा है, 10 से 6 अलाउ है, वो ये दिखाना चाहते हैं नहीं अलाउ है। अरे अजान जो होती है लाउडस्पीकर से वो अजान का हक मिला हुआ है, पुरानी परंपरा है वो। पुरानी परंपरा नहीं है, इसको कोर्ट में लेके गए, कोर्ट ने 10 से 6 अलाउ किया हुआ है। तो जब अलाउ है, जब परमिशन है, न्यायपालिका ने डिसाइड किया हुआ है, इस देश के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का संविधान है, वो मस्जिद पे बजाया बजा रहे हैं, आप उसी डेसिबल में बजा रहे हैं, आप भी जो भी मानक है उस पर बजाइए, रोक कौन रहा है? हनुमान चालीसा बजाइए, हम भी आएंगे आपके साथ, मंदिरों में हमें बजाइए। भी बुलाइए, कौन रोक रहा है? मंदिरों में बजाइए, आप अपने घरों में बजाइए जो, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर अगर आप विवाद बनाने के लिए विवाद बना, अब आप किसी मस्जिद के सामने जाकर उन्माद फैलाएं, नारेबाजी के, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा है, नहीं, ये मर्यादा गलत है। पुरुषोत्तम श्री राम एक मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम को बदनाम कर रहे हैं लोग। उनके उनके उनकी ऊंचाइयों ऊंचाइयों ऊंचाइयां आपको मालूम है? जी, बहुत। उन्होंने उन्होंने क्या कहा है, पढ़िए उनको, पढ़िए, पढ़ने की जरूरत है, हिंदू धर्म को बदनाम करने की जरूरत ये लोग कर रहे हैं, जरूरत नहीं है ऐसा, हिंदू धर्म को बदनाम करने का एक प्रयास चल रहा है, और देश के लोगों को आगे आना ये पड़ेगा। तो इसमें कुछ लोग, जैसा हिंदू कि धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात बिल्कुल करता वो है, बात आप, मोहब्बत की बात करता है, भाईचारगी की बात करता है। हिंदू हिंदू संगठन कुछ, जैसे कि बजरंग दल सामने आए, तो बजरंग दल ने इसको लाउडस्पीकर पे इस तरीके से हनुमान चालीसा को बजाने का विरोध किया है कि ये चीज़ गलत है। परंतु तो क्या आप मानते हैं कि सार्वजनिक स्थल पे लाउडस्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का जो बात कह रहे हैं, क्या वो एक पॉपुलरिटी के लिए तो नहीं कह रहे? बस सर, क्योंकि अगर हिंदू संगठन से वो पूर्व में नेता रहे और वही हिंदू संगठन अगर उसका विरोध मैं कर रहे ये हैं, कह रहा हूं ये तो सीधा पॉपुलैरिटी का तो जरिया सीधा कहाँ है? अपनी प्रसिद्धि के लिए हो रहा है, और चूंकि सरकार चुप है इसलिए ऐसा लग रहा है कि सरकार अपने असली मुद्दों पर, जिस पर विफल हो चुकी है, उसको ढकने के लिए ऐसा होने दे रही है, वरना सरकार इस पर संज्ञान लेती, जो भी ऐसा लोग करते उनके खिलाफ कार्रवाई होती। क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? उन्हें क्यों इसी खुली छूट मिलती जा रही है कि वो इस तरह की बात भी करें? अच्छा, जैसा कि मैंने सुना कि आप भी लाउडस्पीकर पर कुछ बजाने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो वो क्या है, मतलब कहाँ लगाएंगे लाउडस्पीकर, उस पर क्या प्रसारित होगा? हमारा कहना यह है कि देश इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी से कराह रहा है, और देश का असली मुद्दा, देश के लोगों का मुद्दा यही है, लोगों पास फीस भरने के पैसे नहीं है, बिजली का बिल जमा करने का पैसा नहीं है, बिजली का बिल यूपी के अंदर आप देख लें कितना ज्यादा है, आप देखें शिक्षा देखिए, 2-2 2.5 लाख रुपए प्राइवेट स्कूल जो है LKG UKG के पैसे ले रहे हैं साल भर के, आप समझिए इस नैरेटिव को। लोग, हम ये कह रहे हैं कि हम लाउड स्पीकर बजाना चाहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी को बताने के लिए, जो मोदी सरकार नहीं सुन रही है, हमने अर्ध नग्न प्रदर्शन किया,
बताने के लिए लोकतंत्र में एक विपक्ष के नेता के तौर पर कि आप देखिए और इसको जीएसटी में लेकर आइए पेट्रोलियम पदार्थों को, पेट्रोल डीजल को, लेकिन नहीं सुन रहे। तो हम ये कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर के माध्यम से शायद हमारी बात सुन ली जाए। हम प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं लाउड स्पीकर के माध्यम से कि भाई आप हमारी बात को सुनिए। लाउड स्पीकर हम उस बात के लिए महंगाई और बेरोजगारी के लिए लगाना चाहते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी महंगाई कम कर दो और हमारे लोगों को रोजगार दे दो। यानी कि लाउड स्पीकर घरों की छतों पे हम लगेंगे। अपने घरों की छतों पर और मानक अनुरूप लगाना चाहते हैं हम, जिसकी परमिशन भी मांगेंगे। परमिशन भी मांग करके हम, हमारा पत्र जाएगा और हम उस परमिशन के दायरे में, कानून न्याय संगत, कानून संगत लोग हैं हम लोग। लेकिन अब हम सबसे, देशभर से सबसे अपील करते हैं कि सभी लोग अपने प्रतिष्ठानों पर महंगाई का गीत गाएं, बजाएं, और अपने घरों पर भी बजाएं, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर कतई ना बजाएं। सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक स्थल है वो सबका है, किसी एक का नहीं, किसी का नहीं, वो देश का है। जी जी